हेलो फ्रेंड्स, कई बार जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसे ये पता नहीं होता है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए उसे क्या क्या जतन करने चाहिए और क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। आइए जानते हैं कुछ ऐसी विशेष बातें जिनसे कोई भी महिला या फिर प्रेग्नेंट महिला ये जान सकती है कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है। पॉइंट नंबर वन, आपका स्वस्थ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बात को अच्छे तरीके से पक्का कर लीजिए कि आपके शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी ना हो, जैसे कि डायबिटीज, हेपेटाइटिस या फिर हाइपोथायराइडिज्म। ये सारी बीमारियां कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसकी वजह से प्रभाव बच्चे पर भी पड़ता है और डिलीवरी के समय पर भी पड़ता है। इसीलिए अगर आप पूरी तरीके से स्वस्थ रहेंगी तो यकीनन आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। पॉइंट नंबर टू, सही डिलीवरी के साथ साथ बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप सही आहार भी लें। वही आहार लें जो आपको पोषण दे, आपके बच्चे को अंदर से पोषित करें। जब माँ और बच्चा दोनों ही स्वस्थ होते हैं तो नॉर्मल डिलीवरी ही की जाती है। पॉइंट नंबर थ्री, खूब सारा पानी पिए। अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना गर्भावस्था के दौरान बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कई बार प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज्यादा पसीना आता है और बहुत ज्यादा उबकाई आती है, उसे रोकने के लिए आपको पानी की जरूरत पड़ेगी ही। इसीलिए पूरे दिन के अंदर पर्याप्त पानी की मात्रा जरूर पीजिए। ऐसा करने से बॉडी भी हाइड्रेट रहेगी और आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए मदद मिलेगी। पॉइंट नंबर फोर, टहलना, थोड़ा बहुत चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका तीसरा महीना है तो आपको एहतियात के साथ और सारी सुख सुविधाओं को देखते हुए थोड़ा बहुत टहलना जरूर चाहिए। तीसरे महीने से लेकर आप आठवें महीने तक या फिर नौवें महीने तक भी टहल सकती हैं, लेकिन नौवें महीने में बच्चा बिल्कुल पूरा हो जाता है और डिलीवरी के लिए तैयार हो जाता है। इसीलिए टहलने के समय आपको ध्यान देने की बहुत जरूरत है। स्लिपरी चप्पल ना पहने, ज्यादा चढ़े उतरे नहीं, सीढ़ियों का प्रयोग बिल्कुल ना करें और अपने साथ हमेशा किसी ना किसी को रखें जो आपको थोड़ा सा संभाल सके। रबड़ की चप्पल पहनना आपके लिए बेहतर ऑप्शन रहेगा। और अगर आप गार्डन में घूम रही हैं या फिर पार्क में घूम रही हैं तो फुटपाथ पर ही चल सकती हैं। आपको घास में चलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार घास के अंदर मिट्टी गीली होती है जिसकी वजह से पैर स्लिप हो सकता है। पॉइंट नंबर फाइव, व्यायाम करना नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप चाहती हैं कि आपका कोई ऑपरेशन ना हो और बच्चा बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हो तो आपको व्यायाम जरूर करना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज के लिए स्पेशल योगा क्लासेस अरेंज की जा सकती हैं। आप उनमें एडमिशन लीजिए और अपने आप को हेल्दी बनाइए। सो फ्रेंड्स, ये है कुछ ऐसे आसान से तरीके जो आपको नॉर्मल डिलीवरी करवाने में मदद करेंगे। इस वीडियो को देखिए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।